So, welcome back students. Today we are going to study the life cycle of silkworm or silk moth. आज हम लोग silk worm या silk moth के life cycle के बारे में पढ़ेंगे. तो silk worm जो जैसा कि आप जानते हो, silk worm जो है वो silk निकालने के काम में आता है, silk obtain करने के काम में आता है. तो obviously इसकी पालन की जाती है, इसको पाला जाता है. तो पालने के लिए इसको अपने लाइफ साइकिल से होकर गुजरना पड़ता है. तो सिल्क वॉर्म जो है वो कैसे अपने पूरे जीवन को गुजारते हैं, कैसे फिर से नया सिल्क वॉर्म पैदा होते हैं, उसी साइकिल को हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जो फीमेल सिल्क वॉर्म होती हैं, सिल्क मॉथ होती हैं, वो क्या देती हैं? अंडे देती हैं. और कौन से मौसम में देती हैं? समर सीजन में. और वो अंडे फिर स्प्रिंग सीजन में जो है वो हैच होता है, वो फूट जाता है और उसमें से जो है कैटरपिलर निकलते हैं. सो द फर्स्ट स्टेज ऑफ द सिल्क वॉर्म स्टार्ट विथ देयर लाइफ साइकिल. एग इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द सिल्क वॉर्म एंड द फीमेल मॉथ ले एग ड्यूरिंग द समर सीजन. मतलब जो फीमेल होती हैं वो समर सीजन में अंडे देती हैं. द एग हैचेज इन स्प्रिंग. और एग जो है वो स्प्रिंग के सीजन में हैच करता है, यानी फटता है और उसमें से कैटरपिलर निकलता है. ये देखो, ये कैटरपिलर निकला. अब जी ये कैटरपिलर निकलेगा तो इसका खाना क्या होगा? पत्ता होगा. ये पत्ते को खाते हैं. पहले ये बहुत छोटे होते, जैसे ये पत्ते को खाते हैं ये बड़े होते जाते हैं, इतनी बड़ी हो जाती हैं, बहुत सारा पत्ता खाते हैं. और कैसा पत्ता? सॉफ्ट पत्ता, टिंडर लीव्स. देखो सेकंड नंबर टॉपिक में आते हैं, लार्वा. लार्वा मीन्स कैटरपिलर. सो द एग हैच इनटू लार्वा और कैटरपिलर विच फीड द टिंडर मलबरी लीव्स. मेनली जो सिल्क वॉर्म होते हैं वो मलबरी के प्लांट में पाए जाते हैं और उनको मलबरी सिल्क भी कहा जाता है. ये सबसे बेहतरीन क्वालिटी का सिल्क होता है. तो जो लार्वा है वो क्या करता है, मलबरी के जो सॉफ्ट लीव्स होते हैं, जो ऊपर वाले लीव्स होते हैं, उस लीव्स को खाते हैं और खा करके बड़े होने लगते हैं. कितने दिनों तक ये बड़े होते रहते हैं? 27 दिनों तक बड़े होते रहते हैं. यस. और उस दौरान इन 27 दिनों के बीच में ये अपने ऊपर के स्किन को 4 बार निकाल के फेंक देते हैं. जैसे सांप जो है अपने स्किन को निकालता है ना, उसी तरह से ये भी अपने स्किन को निकालते हैं. कितनी बार? 4 बार. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मोल्टिंग. देखो पढ़ते हैं हम लोग, द लार्वा शेड देयर स्किन 4 times एंड द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ लीव इज कॉल्ड मोल्टिंग. इसके बाद क्या होता है, लार्वा तो बड़ा हो गया. अब जैसे ही वो 27 दिन क्रॉस कर लेता है, लार्वा क्या करता है कि अपने मुंह से सलाइवा निकाल, ये देखो लार्वा है, ये अपने मुंह से सलाइवा निकालता है, मुंह से अपना सलाइवा निकालता है. देखो ये, देखो इसके मुंह से सलाइवा निकल रहा है और इस सलाइवा से अपने आप को राउंड 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 करने लगता है और एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर तैयार करता है, बिल्कुल बॉल जैसा. ये जो मुंह से सलाइवा निकाल रहा है यही है सिल्क फिलामेंट. वो निकाल करके उसी से अपने आप को कवर किए जा रहे हैं, कवर किए जा रहे हैं. और इस स्टेज को हम लोग रेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं, क्योंकि जिस बॉल के अंदर में वो चला गया उसी बॉल के अंदर में उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजिंग हो रहे हैं और वो बड़ा हो रहा है. लेकिन बॉल जो है उसको बाहर के एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट कर रहा है, उसकी रक्षा कर रहा है. देखो क्या करते हैं, द कैटरपिलर स्पिन फाइन सिल्क फिलामेंट अराउंड इट्स लेयर टू फॉर्म अ ककून. कैटरपिलर सिक्रीट्स और स्पिन्स अ फाइन फिलामेंट अराउंड इट्स बॉडी एंड मेक अ लेयर दैट इज कॉल्ड ककून. द सिल्क वॉर्म टेक्स 3 to 7 days टू प्रिपेयर द ककून. ककून बनाने में उनको कितने दिन का वक्त लगता है? 3 से लेकर के
सात दिन का समय लगता है। इस सात दिनों में वो अपने बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं और खुद को अंदर ही प्रोटेक्टेड कर लेते हैं, और अंदर ही अंदर उनके बॉडी में चेंजिंग चलता रहता है और उसके पंख आने लगते हैं, उनका वो टेंटकल्स निकलने लगते हैं, उनकी आँखें आने लगती हैं। सारा डेवलपमेंट जो है कैटरपिलर का, वो कैटरपिलर जो है धीरे 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 मॉथ में कन्वर्ट होने लगते हैं। मॉथ मतलब एक कीड़ा जैसा स्ट्रक्चर है ना, जैसे ये वाला कीड़ा जैसे मॉथ, मॉथ में कन्वर्ट होने लगते हैं। ये देखो ये एक मॉथ है और इनकी आंखें आ जाती हैं और ये इस तरह का चेंजिंग जो है उस डब्बे के अंदर चल रहा है। बाद में वो डब्बा ब्रस्ट करेगा, वो फोर करके, वो तोड़ करके ये फिलामेंट बाहर निकल जाएगा, ये सॉरी ये जो मौत है वो बाहर निकल जाएगा और उसको उस डब्बे को छोड़ देगा। देखो नेक्स्ट इस टर्म में क्या होता है। सो द सिल्क थ्रेड ऑब्टेन फ्रॉम द ककून, जो सिल्क से उसने अपने आप को कवर किया था उसी सिल्क को निकाला जाता है। ये किस कलर का हो सकता है, ये वाइट हो सकता है या फिर गोल्डन येलो कलर का भी हो सकता है। अब आते हैं हम लोग सिल्क मॉथ। अब तो वो बड़ा हो गया, अब उसको ब्रस्ट करेगा, प्यूपा को ब्रस्ट करेगा और प्यूपा को ब्रस्ट करके उसमें से मॉथ निकल के आएगा। द प्यूपा चेंज इन टू मॉथ विच कम्स आउट ऑफ द ककून, जो ककून से बाहर निकल के आ जाएगा। बहुत अच्छा मैंने फिगर आप लोगों के बुक से लेके दिया है, जरा देखो। ये देखो ये है सिल्क वॉर्म और सिल्क मॉथ। इस सिल्क मॉथ ने यहाँ बहुत सारे अंडे दिए, ये अंडे दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना। अब देखो ये अंडे पत्तों पर दिए हैं, इसमें से क्या निकला, कैटरपिलर निकला। देखो ये बहुत सारा कैटरपिलर, कैटरपिलर क्या खाएगा, टेंडर लीव्स ऑफ मलबरी प्लांट। हाँ, और वो कैटरपिलर क्या किया, अपने आप को कवर किया, पूरा कवर कर लिया सिल्क फाइबर से। देखो ये और कैसा बन गया, ऐसा गोल गोल अंडे जैसा बन गया। बट ये अंडा नहीं है, ये बॉल है जिसके अंदर में ये कैटरपिलर चेंज हो रहा है, मॉथ बन रहा है। देखो यहाँ पे फोटो दिया हुआ है कितना क्लियरली। इसको हम लोग बोलते हैं प्यूपा, और इसको हम लोग और भी एक नाम दे सकते हैं, ककून। हाँ, ककून भी इसे कहा जाता है, प्यूपा को ही ककून कहते हैं। और ये ककून में से फिर तोड़ के निकलेगा सिल्क मॉथ है। तो ये हुआ, आप लोग ने देख लिया कि किस तरह से इनका लाइफ साइकिल होता है, कैसे ही अपने जीवन को कंप्लीट करते हैं फ्रॉम बर्थ टू एडल्ट। द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम ककून, ककून से सिल्क कैसे निकाला जाता है। आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन माई लास्ट क्लास दैट सो मैनी ककून इज पुट इन टू द वॉर्म हॉट वाटर एंड वेन दे गो इन साइड द हॉट वाटर दे अनविंड। मतलब जब हम ककून को डाल देते हैं गर्म पानी में तो जो सिल्क फाइबर है वो खुद ब खुद खुलने लगता है। ऐसे 5-6 ककून का सिल्क फाइबर एक साथ निकाला जाता है, ऐसे निकलने लगेगा, 4-5-6 निकाले जाएगा, निकाल करके उसको एक सूता की तरह लपेट दिया जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे रेलिंग। क्या बोलेंगे, रेलिंग। लेट्स स्टडी। द ककून आर ऑब्टेन बिफोर द लार्वा मैच्योर, डिपिंग द ककून इन टू द हॉट वाटर, हॉट वाटर में ककून को डुबो दिया। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क थ्रेड फ्रॉम सोकिंग ककून, ककून को गर्म पानी में डाल करके जो सिल्क निकाला जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिलिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलिंग और फिलेचर। नेक्स्ट, द सेपरेटेड फिलामेंट फ्रॉम 4-8 ककून स्लाइटली ट्विस्टेड टू फॉर्म यार्न। देखो 4-8 ककून के जो सिल्क फाइबर है उसको लपेट के यार्न बना दिया गया। एंड दिस यार्न, द मेनी स्ट्रैंड्स ऑफ यार्न टुगेदर स्पन एंड अगेन वीव टू फॉर्म सिल्क क्लॉथ। उस यार्न को बाद में वीव करके मशीन के माध्यम से, मशीन के हेल्प से क्या बना दिया गया, सिल्क क्लॉथ बना दिया गया, और वो मार्केट में बेचा जाता है। सो ऑन विच फैक्टर डज द क्वालिटी ऑफ सिल्क डिपेंड, सिल्क का क्वालिटी। आज हम लोग जब मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में सिल्क के क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, कौन सा सिल्क अच्छा है, कौन सा सिल्क खराब है। तो जो भी सिल्क मार्केट में आता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, उनकी क्वालिटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है। द क्वालिटी ऑफ द
सिल्क डिपेंड ऑन द वैरायटी ऑफ द सिल्क वॉर्म. यस, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. विच काइंड ऑफ और विच वैरायटी ऑफ सिल्क आर यू सिल्क वॉर्म इज यूज टू ऑब्टेन द सिल्क इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. अनदर द मलबरी लीव्स. इफ द मलबरी प्लांट इज हेल्दी then the leaves will, the caterpillar will be also healthy and it will give a good and healthy cocoon and this cocoon will obviously produce a good quality of cocoon, silk. मतलब यदि मलबरी लीव्स अच्छा होगा तो caterpillar बहुत हेल्दी होंगे और कैटरपिलर यदि हेल्दी होंगे तो ककून अच्छा होगा और ककून अच्छा होगा तो उसमें से जो सिल्क निकाला जाएगा उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी. नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ ककून. आप जो ककून सेलेक्ट कर रहे हो उसमें से बहुत तरह के ककून आपने देखा है, उसमें से कुछ ककून जो हैं वो बहुत गुड क्वालिटी के दिखाई दे रहे हैं, कुछ जो हैं रस्टेड बेकार क्वालिटी के, ख़राब क्वालिटी के दिखाई दे रहे हैं. तो आप किस क्वालिटी का ककून चूज कर रहे हो ये भी एक फैक्टर है अच्छे सिल्क और बुरे सिल्क और खराब क्वालिटी के सिल्क होने में. इसके बाद बात आती है उस मशीनरी की, जिस मशीनरी में इस सिल्क के धागों को लपेट करके कपड़ा बनाया जाता है. यानी मशीनरी इसकी अच्छी हुई, वीविंग इसकी अच्छी हुई, फिनिशिंग इसकी अच्छी हुई तो सिल्क का कपड़ा भी अच्छा ही होगा. So this is the last topic, that is factor. Now we are going to study. There is one question that is given by me for you. मैंने आप लोगों के लिए question यहाँ रख रखा है. Just study it and try to find the answer of this question. इस question का answer निकालने की आप कोशिश करो. Next comes, what do you mean by occupational hazard? देखो factory में जो लोग काम करते हैं वहाँ का माहौल जो है, वहाँ का जो की जो परिस्थितियां हैं वो हो सकता है कि कई बार अच्छी ना हो जो वहां पे लेबरर्स काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए, और लेबरर उस वजह से जिस परिस्थिति में काम कर रहे हैं उस परिस्थितियों के वजह से बीमार पड़ जाते हैं और ऐसी बीमारी को हम लोग ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहते हैं. मतलब क्या बोला, द वर्कर एम्प्लॉयड इन द वूल और सिल्क इंडस्ट्री ऑफन सफर फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ एलिमेंट्स और डिजीज एंड दीज आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार. मतलब सिल्क इंडस्ट्री में और उल इंडस्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर होते हैं उन लोगों को उस इंडस्ट्री में काम करने की वजह से बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है और इस बीमारियों को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल हजार. हाँ, ये डेफिनेशन हुआ ऑक्यूपेशनल हजार का. सो वाट आर द डिफरेंट ऑक्यूपेशनल हजार इन उल इंडस्ट्री. उल इंडस्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं उन लोगों को किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं, उनको हो सकती हैं सॉर्टर डिजीज और एंथ्रेक्स. ये एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि बहुत खराब बीमारी है. ये बीमारी मोस्टली जानवरों को होती हैं, जो जानवर गंदे होते हैं उनके शरीर में, उनके बालों में ये बैक्टीरिया बैठा रहता है और वैसे बालों को निकाल करके काम करने से जो मजदूर काम करते हैं उनको बाल निकाल करके उनको ऊल बनाने का काम करते हैं, वैसे मजदूर बीमार पड़ते हैं एंथ्रेक्स जैसे बीमारियों के वजह से. नेक्स्ट है एलर्जिक रिएक्शन. एलर्जिक रिएक्शन मींस बहुत तरह के एलर्जिक रिएक्शन होते हैं गंदगी के वजह से. लाइक स्किन रिएक्शंस होता है, रेस्पिरेटरी एलर्जी होता है, सांस लेने में कष्ट, स्किन में ईचिंग होने लगता है, खुजली वगैरह, घाव, छोटे छोटे फुंसी वगैरह निकलने लगते हैं. ये बीमारी भी गंदे बालों के वजह से होता है और इस गंदे बालों के वजह से. नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल हजार्ड ऑफ सिल्क इंडस्ट्री. सिल्क इंडस्ट्री में काम करने वालों को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इरिटेशन ऑफ आई, आंखों में खुजली हो सकता है, स्किन में खुजली हो सकता है, इरिटेशन ऑफ आईज एंड स्किन. और क्या हो सकता है, और सिल्क के जो छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं वो नाक से जा करके लंग्स में बैठ जाते हैं और सांस लेने में कष्ट होने लगता है. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं एस्थमा. द स्किल्स ऑफ द माउथ एंड सिल्क फाइबर प्रोटीन कैन इरिटेट इनिशिएट एस्थमा. एस्थमा की बीमारी, सांस कष्ट जैसे बीमारी उभर के आ सकते हैं
इंसानों में जो इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो इन इन बीमारियों को किस तरह से ठीक किया जा सकता है, हाउ द ऑक्यूपेशनल हजार्ड मिनिमाइज्ड और प्रिवेंटेड, कैसे रोका जा सकता है। तो जो केमिकल हम लोग इंडस्ट्री में यूटिलाइज कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं होना चाहिए, लेस हार्मफुल होना चाहिए, लेस डेंजरस होना चाहिए, क्योंकि उस केमिकल्स में ही हम उनको या फिर सिल्क को कलर करते हैं ताकि वो दिखने में सुंदर हो। तो वो केमिकल यदि ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा तो बीमारी भी हार्मफुल नहीं होगा। नेक्स्ट, देयर शुड बी ए प्रॉपर एग्जॉस्ट एंड वेंटिलेशन, हवा का आदान प्रदान, मतलब जो इंडस्ट्री है उसमें खिड़कियाँ और एग्जॉस्टर्स वगैरह ठीक ठाक लगे रहें ताकि हवा आराम से आए जाए और कोई किसी तरह का प्रॉब्लम्स ना हो। एंड पर्सनल इक्विपमेंट लाइक वॉशिंग फैसिलिटी एंड मतलब बाथ वेयर पार्टिसिपल एंड स्ट्रिक्ट पर्सनल हाइजीन, मतलब कि पर्सनल हाइजीन अच्छे से मेंटेन हो वहाँ पे, जो लोग भी काम करें साबुन डेटॉल वगैरह यूज करते रहें, खुद भी यूज करें दूसरों को भी यूज करें, और जहाँ तहाँ गंदगी ना फैलाएं। यदि वातावरण या फिर मीन्स आसपास का जो माहौल है वो साफ सुथरा होगा तो बीमारियाँ ऑब्वियसली नहीं होंगी और लोग हेल्दी रहेंगे, और हेल्दी वातावरण में काम करने से ऑब्वियसली हेल्दी रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश्ड हो जाता है और आप लोग इसको लर्न करना और नोट्स तैयार करके रखना। ठीक है, ओके बाय।